हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक नई शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दिखाने वाले हैं आपको एनवी शॉपी का, अगर आप इस तरीके का फ्रेंचाइजी स्टोर खोलते हैं तो आपको क्या क्या प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी और किस तरीके से स्टोर आपको सेटअप करके दिया जाता है। ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी देख रहे हो, अगर इस तरीके का सेटअप आप चाहते हो तो आप कैसे कर पाओगे अपने मार्केट में, अपने शहर में। ठीक है दोस्तों, एनवी शॉपी आपको फ्रेंचाइजी देती है ग्रोसरी बिज़नेस की। ग्रोसरी बिज़नेस यानी वो बिज़नेस जो हर घर की पहली नीड आती है। भाई, इसमें जो भी प्रोडक्ट आप इस स्टोर में देख रहे हो, ये पहली ज़रूरत है हर घर की। तो ये हर जगह बिज़नेस चलता है, सबसे ज़्यादा चलने वाला बिज़नेस है, क्योंकि इसकी ज़रूरत तो हर किसी को रहती ही रहती है। ठीक है, तो इस तरीके का सेटअप अगर आप अपने मार्केट में, अपने शहर में करना चाहते हैं तो कैसे शुरू करेंगे आप। ठीक है, तो एनवी शॉपी आपके लिए क्या सपोर्ट देती है और एनवी शॉपी के साथ जुड़ के आप इसको कैसे सेटअप कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि एनवी शॉपी कोई भी फ्रेंचाइजी फ़ीस नहीं लेती अभी के दौरान। अभी आपसे कोई फ्रेंचाइजी फ़ीस हम कॉस्ट नहीं करते, कोई रॉयल्टी चार्ज नहीं करते, और फिर भी हम आपको एक सेटअप बढ़िया मार्केट में जो ब्रांड ऑलरेडी बिक रहे हैं, सिर्फ उसी ब्रांड को आपको रखना है और उसी को बेचना है और उसी से पैसे कमाने हैं आपको। ठीक है, प्रॉफिट की बात करें, बजट की बात करें, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें बजट की, प्रॉफिट की, तो सबसे पहले अगर इस तरीके का स्टोर अगर आप खोलते हैं तो ये आता है सुपरमार्केट, थोड़ा सा बड़ा स्टोर है और भी इसके ऊपर क्लॉथिंग का भी है। ठीक है, तो अगर इस तरीके का स्टोर अगर आप खोलते हो तो आपको जो बजट जाएगा वो लगभग 15 से 20 लाख जाएगा। जैसे इस तरीके का सेंटर रैक हो गया, ये आपका वॉल रैक हो गया। ठीक है, और इस तरीके से हर ब्रांड के प्रोडक्ट जो कि मार्केट में ऑलरेडी बिकते हैं, किसी को समझाना नहीं है आपको। ठीक है, वो आएगा कस्टमर अपने से ट्रॉली उठाएगा, प्रोडक्ट लेगा। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे बिलिंग काउंटर है जहाँ पे आप बिल का बिल कटेगा। ठीक है, तो इस तरीके का काउंटर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से हम आपको देते हैं यहाँ पे एक टच पैनल आपको हो जाता है बिल जनरेट करने के लिए, प्रिंटर आपको मिल जाता है, स्कैनर आपको मिल जाता है, जिससे आप बिलिंग का पूरा प्रोसेस यहाँ से हैंड टू हैंड कर सकते हैं। अगर आप मिनी मार्ट खोलते हो तो एक सेटअप पे आपका काम हो जाता है, लेकिन अगर आप सुपर मार्ट खोलते हो तो दो सेटअप चाहिए, बाकी फ्रीजर, डीप फ्रीजर इस तरीके का आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, जो कि ज़रूरत होता है। अब बात करेंगे, अगर आप मिनी मार्ट खोलते हो तो आपका जो बजट होगा वो 8 से 10 लाख रुपए होगा, जिसमें हम इंटीरियर से लेकर प्रोडक्ट सारी चीज़ें अवेलेबल कराएंगे। अगर आप सुपर मार्ट खोलते हो तो बजट आपको 15 से 20 लाख रुपए होगा, जिसमें से रैक हो गया, काउंटर हो गया, बिलिंग का टच पैनल हो गया, स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारी चीज़ें हम अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, जीरो फ्रेंचाइजी फीस, जीरो रॉयल्टी चार्ज के साथ। इंडिया में कहीं पे भी हो, आप इंटरेस्टेड हो, ज़्यादा जानकारी चाहते हो उस बिज़नेस से रिलेटेड, तो आप कुछ नहीं करना है सर। दोस्तों, आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, आपको सिंपली आपको एक व्हाट्सअप करना है, डिटेल हम आपको सेंड कर देंगे, देन आप बात कर सकते हो, इंटरेस्टेड हो, कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो सारी चीज़ें आप बात करके क्लियर कर सकते हो। और इस तरीके का बिज़नेस आप अपने लोकल में, अपने मार्केट में, अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अच्छा बिज़नेस करना चाहते हैं जिससे आपकी मंथली अच्छी इनकम हो पाए, तो इस तरीके का बिज़नेस आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, छोटी सी क्लिप, छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी कि आप इस तरीके का बिज़नेस कैसे करोगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ग्रोसरी बिज़नेस से रिलेटेड इस चैनल पर डेली आपको वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।